हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रीम लाइन के बारे में देखा था, स्ट्रीक लाइन देखी थी, स्ट्रीम ट्यूब क्या है वो जाना था, फिर हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म अलग अलग वेक्टर एज वेल एज एब्सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी देखा था। ठीक है, आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और पाथ लाइन डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज पाथ लाइन? तो आपको पता है कि आपके पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करता है, अब ड्यूरिंग दैट इट फॉर्म्स वन पाथ, है ना, उसका जो एक्चुअल पाथ जो फॉर्म करता है, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं पाथ लाइन। सो इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ये जो लोकस तैयार हुआ है इसका, ये दिख रहा है आपको फिगर में, ठीक है, फिगर सिक्स डिक्टेट जैसा कर रही है। तो ये जो पार्टिकल जिस तरह से फॉलो कर रहा है तो ये इसका पाथ लाइन हो गया। ठीक है, सो द लोकस ऑफ द सेम पार्टिकल ओवर अ टाइम पीरियड T1 टू T2 इज कॉल्ड द पाथ लाइन। द पाथ लाइन में इंटरसेक्ट इटसेल्फ एट डिफरेंट टाइम्स। देखिए, हमने देखा था स्ट्रीम लाइन में, स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, है ना, क्योंकि वो कैसा रहता है, उसमें वेलोसिटी अपन ने देखा था, जो वेलोसिटी वेक्टर बनता था या वेलोसिटी का जो था वो टेंजेंशियल फॉर्म में मिलता था हमको। ठीक है, लेकिन पाथ लाइन एक दूसरे को एक्चुअल फॉर्म में वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। अ पाथ लाइन इज लैग्रेंजियन कॉन्सेप्ट इन दैट वी सिंपली फॉलो द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव्स अराउंड द फ्लो ओवर फील्ड। तो हमने कल भी बात की थी लैग्रेंजियन मैथड और यूलेरियन मैथड, ठीक है ना, अपना जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है उसको स्टडी करने के लिए। तो इन दो मेथड में क्या डिफरेंस था? तो भाई लैग्रेंजियन मेथड में हम फ्लूइड पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, वो कैसा फॉलो करता है, और हम यूलेरियन में क्या करते थे, एक फिक्स पॉइंट कर देते थे, ऑब्जर्वर को फिक्स खड़ा कर दिया और वहां से जितने भी पार्टिकल्स पास हो रहे हैं उसका स्टडी करते थे। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ है वो किस तरह लैग्रेंजियन मेथड अपन और कंसेप्ट हमें स्टडी करना रहे। नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन। तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, स्ट्रीम लाइन कैसी है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच शोज द पोजिशंस ऑफ वेरियस फ्लूइड पार्टिकल्स, जबकि स्ट्रीक लाइन कैसी है, इट इज अ रियल लाइन शोइंग द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ वेरियस पार्टिकल्स। हम पाथ लाइन की बात करेंगे तो पाथ लाइन भी क्या है, इट इज ऑल्सो रियल लाइन विच शोज द सक्सेसिव पोजिशन ऑफ वन फ्लूइड पार्टिकल, है ना। इसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस पोजीशन देता है अलग अलग पार्टिकल का, कि भाई एक फिक्स पॉइंट पे आ गया आप, वहाँ पे क्या किस तरह से पार्टिकल अलग अलग जा रहे हैं वो हमने स्टडी किया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही पार्टिकल का जो सक्सेसिव पोजीशन है वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो हम स्टडी करते हैं स्ट्रीम लाइन में। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स में चेंज स्ट्रीम लाइन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, उसका जो फ्लो है उस पर डिपेंड करके स्ट्रीम लाइन चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन स्ट्रीक लाइन क्या है, मे चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। ठीक है, अलग अलग उसके लिए अपन को अलग अलग उसका वैल्यू मिल सकता है। पार्टिकल्स में क्रॉस इट्स पाथ, पाथ लाइन में क्या रहेगा, वो एक दूसरे के पाथ को क्रॉस करते हैं। अब देखिए स्ट्रीम लाइन में क्या है, दे के नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। स्ट्रीक लाइन क्या रहेगी, स्ट्रीक लाइन चेंजेस विथ टाइम, टू स्ट्रीक लाइन्स मे इंटरसेक्ट ईच अदर। और अपना जो पाथ लाइन है वो अपन को पता है कि आराम से दे में टू पार्टिकल्स में इजीली इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है, नो फ्लो अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन का क्या रहेगा, फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीक लाइन इज पॉसिबल। देखिए इसमें अक्रॉस द स्ट्रीम लाइन मतलब एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को कट करके नहीं जाएगी, ठीक है, इस तरह से बात हो रही है, लेकिन इसमें पॉसिबल है और सेम पाथ लाइन में भी पॉसिबल है। देखिए थोड़ा सा नोट है यहाँ पे, इन अ स्टेडी फ्लो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन, दे आर आइडेंटिकल इफ दे ओरिजिनेटेड एट द सेम पॉइंट। कब की बात हो रही है, जब हमारा स्टेडी फ्लो है तब। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशन एंड वर्टिसिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोटेशन एंड वर्टिसिटी, मतलब हमारा जो फ्लूइड एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, so we can say that rotation is defined as the movement of fluid particle in such a way that both the horizontal as well as vertical axis rotates in the same direction,
अब देखिए क्या है रोटेशन, कब कहोगे आप? जब बोथ ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, तभी हम उसको कहेंगे कि ये पार्टिकल रोटेट हुआ, ठीक है, या एलिमेंट रोटेट हुआ. नाउ दिस फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस वाइल फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम लाइन. कैसे? स्ट्रीम लाइन में से जो पास हो रहा है तब अपने एक्सिस पर रोटेट होगा, तो हम उसे बोलेंगे भाई रोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लूइड है. ठीक है, फ्लूइड में रोटेशन है. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको देख सकते हो कि ये जो रोटेशन है जेड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में. आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमें मूवमेंट मिल रही है. ठीक है, रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल टेक्स प्लेस अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन प्लेन फॉर्म बाय द टू एलिमेंट्स. ठीक है, वो हमेशा कैसा रहेगा? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर द प्लेन. दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस जो ये जो प्लेन है उसके हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमेशा इसके परपेंडिकुलर रोटेट होता है. ठीक है, एग्जाम्पल गिवन इन एक्स वाई प्लेन द रोटेशन विल बी अबाउट जेड एक्सिस. ठीक है, अगर कोई एक्स जेड प्लेन है तो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे रोटेशन मिलेगा. नाउ मैथमेटिकली द रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन गिवन बाय द एवरेज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ टू परपेंडिकुलर लीनियर एलिमेंट्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. तो देखिए उसके ये जो रोटेशन है हमेशा किसके मिलेगा? एंगुलर वेलोसिटी के से मिलेगा, है ना. देखिए चलिए अब देखते हैं किस तरह से है. नाउ लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट, हमने देखा ही था ए बी सी डी जो दिया है वो. ठीक है, नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस एंड ऑन जो प्लेन है वो कौन सा है? इट इज ऑन एक्स वाई प्लेन. ठीक है, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स एक्स में जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा वो कौन सा रहेगा अपना? u प्लस डी यू बाई डी वाई इंटू डी वाई डेल डेल यू बाई डेल डेल वाई इंटू डी वाई. सिमिलरली द वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन वाई डायरेक्शन जो है हमें क्या मिलेगा? v और v प्लस डेल v बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स. नाउ रोटेशन अगर रोटेट हो रहा है तो यू वी नो दैट कि इट मेक सम एंगल, कुछ एंगल के साथ बनेगा और विद सम टाइम इंटरवल. सो लेट टाइम इंटरवल डी टी एंड लेट इट मेक्स सम एंगल डी थीटा. ठीक है, नाउ फ्रॉम जो अब अपने ये प्लेन ज्योमेट्री है वहाँ से अगर आप देखोगे तो ये डी थीटा कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अपन पोजिशन वाइज जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज हुआ है वो अपन को कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो the distance bb dash is given by, so your distance bb dash is equal to change in velocity into time. तो आपको पता है change in velocity, velocity into time करोगे तो but obvious आपको distance मिल जाएगा. तो यहाँ आपको bb dash में जो change आया है, b से b dash में जो difference आया है वो आपको मिल जाएगा. तो क्या मिलेगा? change in velocity. ठीक है, so अपन अपन कौन सा direction में? y direction में change हो रहा है. ठीक है, तो अपन को क्या मिलेगा? v plus del v by del x into डी एक्स माइनस वी. माइनस वी क्यों लिखा है? बिकॉज हमने बोला है चेंज, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ये थी, बी डैश पे आने पर ये हो गई, सो उन दोनों का डिफरेंस अपन लेंगे इनटू टाइम इंटरवल डी टी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस का चाहिए तो डी से डी डैश के लिए बात करेंगे. सो डी टू डी डैश जब आप बात करते हो यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस में, तो सेम टू सेम आपको पहले डी और डी से जो डी डैश में गए हैं वहाँ का आपको डिफरेंस चाहिए. ठीक है, into time interval. Now let us take angular velocity. So angular velocity we know that angle move within a time. So d theta jitna aur dt jitna interval mein le raha hai, to rate of change of angle with respect to time. Theek hai? Jo angular distance hai, angular distance with respect to time jo change ho raha hai wo apan dekh rahe hai. Theek hai? To kya hai? Ye kya hai apna angular distance? It is bb dash divided by ab. Theek hai? So you will get omega AB is equals to, you will have some equation, put the values of BB dash and we know that AB is equal to DT by DX अपन ले लेंगे. ठीक है, upon placing all the values you will get omega AB is equal to del V by del X, del V by del X मतलब vertical जो y direction का movement with respect to x axis. Similarly अब अपन
एडी का रोटेशन देखेंगे अबाउट जेड एक्सिस जो रोटेट हो रहा है वो। सो अगेन डी टी टी बाई डी टी, अब एडी है वो कहाँ से चेंज हो रहा है देखते हैं अपन। डी डैश डी टू डी 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 डैश जितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए डी, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज, अपॉन पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट ओमेगा ए डी इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। सो द रोटेशन, जो अपन टोटल रोटेशन की बात करोगे तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस विल बी ओमेगा जेड इज इक्वल टू ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा ए डी, दोनों का समेशन करोगे और हाफ ऑफ इट बिकॉज एवरेज लेना है हमें। तो दोनों का जब एवरेज लेते हो तो ओमेगा ए बी प्लस ओमेगा ए डी डिवाइडेड बाई टू करोगे आप, ठीक है। पुट द वैल्यूज, सो वट इज ओमेगा ए बी, इट इज डेल वी बाई डेल एक्स, एंड वट इज ओमेगा ए डी, इट इज माइनस डेल यू बाई डेल वाई, अपन ने पुट किया। सो यू विल गेट द रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। जेड एक्सिस पे आप रोटेशन करोगे तो क्या होगा, देखो अब चेंज क्या आ रहा है, जेड एक्सिस है तो बट ऑब्वियस अपन प्लेन कौन सा रहेगा, एक्स और वाई प्लेन अपना जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। एक्स 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 डायरेक्शन में आपकी वी वेलोसिटी मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी और वाई डायरेक्शन में आपकी जेड एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। सो ओमेगा जेड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू एंगुलर वेलोसिटीज विच इज गिवन बाय 1/2 ब्रैकेट में डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। सिमिलरली अबाउट अपन को एक्स एक्सिस चाहिए तो एक्स एक्सिस के लिए आप वाई और जेड एक्स जेड प्लेन लोगे, ठीक है। वाई और जेड प्लेन को कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन को कंसिडर करोगे देखिए। सो यहाँ पे आपको दो डिफरेंस वेलोसिटी, दो अलग अलग रोटेशनल वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ रोटेशन वेक्टर की बात करोगे सो वी नो दैट अगर टोटल कैलकुलेट करना है तो हम रोटेशनल वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर देखा था। सो ओमेगा इज इक्वल टू द ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जेड के, और यू कैन से दैट 1/2 नेबला वी, ठीक है। नाउ दिस नेबला वी इज द कर्ल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, आप आराम से लिख सकते हो जो आपको जो वैल्यूज दी हैं उस हिसाब से अपन को पुट करके देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ पे मतलब डायरेक्ट वैल्यू रख के भी देख सकते हो, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू कर्ल ऑफ हाफ ऑफ कर्ल ऑफ वेलोसिटी, ये जो कर्ल ऑफ वेलोसिटी है उसका हाफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया वोर्टिसिटी। नाउ वॉट इज वोर्टिसिटी, सो इट इज ट्वाइस ऑफ रोटेशन, रोटेशन का डबल करोगे दैट मीन्स कर्ल ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम कर्ल ऑफ वेलोसिटी कहते थे, सो दैट इज रोटेशन वोर्टिसिटी। सो वोर्टिसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रोटेशन विच इज कर्ल ऑफ वेलोसिटी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी आप लिख सकते हो। नाउ कंडीशन ऑफ इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए कंडीशन क्या है कि हमारी वर्टिसिटी मतलब अगर वर्टिसिटी जीरो है, फ्लूड घूम ही नहीं रहा है, ठीक है, और रोटेशन ही नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या अपना फ्लूड कैसा बन जाएगा, इरोटेशनल हो जाएगा। सो द इरोटेशनल फ्लो विल हैव बोथ वर्टिसिटी एज वेल एज रोटेशन जीरो। सो इरोटेशनल फ्लूड इज डिफाइंड एज व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ द रोटेशन ऑफ और वर्टिसिटी आर जीरो थ्रू आउट द रीजन इन फ्लो, देन द फ्लो इज दैट रीजन इज डिस्क्राइब्ड एज इरोटेशनल फ्लो। सो देयरफॉर फॉर इरोटेशनल फ्लो क्या होना चाहिए, हमारा वर्टिसिटी जीरो होना चाहिए, अपना रोटेशन जीरो होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, अभी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से दिमाग में डाल देनी है। एंड कर्ल ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन और रोटेशन, तो देखिए हम रोटेशन की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। लेकिन जब सर्कुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टिकल क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ या फिर एक परफेक्ट लूप बना रहा है, क्लोज कंटूर बना रहा है, ठीक है। सो द फ्लो अलॉन्ग अ क्लोज कर्व इज कॉल्ड सर्कुलेशन। देखिए जैसे मैंने कहा था एक क्लोज कंटूर बना रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है, ठीक है। सो द फ्लो अलॉन्ग द कर्व क्लोज्ड कर्व इज कॉल्ड सर्कुलेशन। सो मैथमेटिकली अगर देखना हो तो क्या है, इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लो अराउंड अ क्लोज्ड कर्व।
ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये जो फ्लूइड पार्टिकल के जो रोटेशनल वेलोसिटी है, टेंजेंट सॉरी सर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, उसका आप क्या कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल बना रहे हो। ठीक है, सो उसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में रखना है, देखिए हम बता सकते हैं, लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू स्मॉल एलिमेंट डी एस अलॉन्ग, डी एस है बट ऑब्वियस अपना डिस्टेंस ही है, जो अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, अलॉन्ग द कर्व इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज वी। सो द टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या, वी कॉस अल्फा हो जाएगा आपका। ठीक है, आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी कॉस अल्फा, नॉर्मल वेलोसिटी के वी साइन अल्फा। ठीक है, सो हमने देखा है भी टेंजेंशियल वेलोसिटी का लाइन इंटीग्रल वो है सर्कुलेशन, तो आप सर्कुलेशन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी कॉस अल्फा डी एस, इसका लाइन इंटीग्रल अपने बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ पूरा रेक्टेंगुलर फ्लूइड, अपन ने ए बी सी डी जितना एक प्लेन रेक्टेंगुलर एलिमेंट ले लिया है, अब इसका अगर सर्कुलेशन कैलकुलेट करना रहेगा तो अब क्या करोगे, देखिए सर्कुलेशन ऑफ ए बी, सर्कुलेशन ऑफ बी सी, सी डी और डी ए, दोनों तीनों को अपन क्या कर देंगे, सम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो राइट इट डाउन, देखिए पहले के लिए यू डी एक्स प्लस, इसके लिए सर्कुलेशन है, देख लीजिए किस डायरेक्शन में हो रहा है, डी वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल, डी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और ये वाई डायरेक्शन में है, बस साइन किस तरह से लेना है कि भाई एक अगर आप इस तरफ का पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी तरफ का आप नेगेटिव लोगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, पूरा सर्कुलेशन लेना है, ए से बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए और डी से ए आए। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट द इक्वेशन फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स डी वाई। नाउ दिस सर्कुलेशन डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, विच इज इक्वल टू क्या है ये, वर्टिसिटी, सॉरी यस वर्टिसिटी, एंड दिस इज योर रोटेशन विच इज इक्वल टू प्राइस ऑफ रोटेशन। सो हैंस द वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये जो आपका यूनिट एरिया है आपने डिवाइड किया तो सर्कुलेशन पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वोर्टिसिटी हो गया। फॉर इरोटेशनल फ्लो वोर्टिसिटी इज जीरो, तो आपका जो सर्कुलेशन क्या हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रीम फंक्शन, इट इज़ डिफाइंड फॉर टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो। देखिए आपको ये याद रख लेना है भाई, कब हम स्ट्रीम फ्लो स्ट्रीम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो जब हमारा टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल और स्टडी फ्लो हो तब। सो वी नो दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने लास्ट टाइम देखी है टू डायमेंशन के लिए, क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा टू डायमेंशन के लिए इनकम्प्रेसिबल फ्लो स्टडी फ्लो के लिए इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन था। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जो है इनको वेलोसिटी पैरामीटर में हमने अपना क्या लेना है, स्ट्रीम फंक्शन को लिखना है। सो इन टर्म्स ऑफ यू, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है माइनस डेल साई बाय डेल वाई, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वी इज इक्वल टू प्लस डेल साई बाय डेल एक्स। ठीक है, अगेन स्ट्रीम फंक्शन साई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो डेल d psi is equal to del psi by del x into dx plus, ये आपको पता होना पता है। ठीक है, आपको इसका भी इक्वेशन पता है, आप पुट करोगे सो यू विल गेट d psi is equal to v dx minus u dy, रिमेंबर दिस थिंग। अगर देखिए क्या हो जाता है, स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट, अगर d psi is equal to zero है तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रीम फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा, इट इज़ ऑलवेज, ये आपको कौन बता रहा है, स्ट्रीम लाइन बता रहा है। ठीक है ना, हमने देखा था कल डी एक्स अपॉन यू इज इकल टू डी वाई बाय वी इज इकल टू डी जेड बाय डी डब्ल्यू देखा था। ठीक है, सो ये टू डायमेंशनल के हमें स्ट्रीम फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर टू डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, देखिए हमने ये इक्वेशन तो देखी थी कल टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है। ठीक है, अब हमें इसके क्या करना है,
स्ट्रीम फंक्शन में लिखना है, तो यू और वी की वैल्यू रख दो सीधा सीधा। यू की वैल्यू क्या थी हमने देखा है, यू की वैल्यू अभी देखी थी, यू की वैल्यू क्या थी माइनस डेल साई बाय डेल वाई था, और वी की वैल्यू क्या थी प्लस डेल साई बाय डेल एक्स। आप पुट करो, अपॉन पुटिंग यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। सो जीरो इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या बता रहा है, स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाइज द कंटिन्यू इक्वेशन। अगर सेटिस्फाई करेगा तो स्ट्रीम फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होगी, ठीक है। सो हेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ साई मीन्स अ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और, तो जब भी हमें साई फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन मिलेगा तो वहां पे हमें फ्लूइड का फ्लो मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं लाप्लास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर रोटेशनल फ्लो। हमने रोटेशन ऑफ अबाउट जेड एक्सिस देख चुके हैं, सो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ टू वेलोसिटीज, है ना, ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई की वेलोसिटी देखनी थी हमें, दो मतलब अलग अलग वेलोसिटीज लेनी थी, उनका एवरेज लेना था। सो विच वॉज इक्वल टू वन हाफ डेल वी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी डेल यू बाई डेल वाई। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, यू और वी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो अपॉन सब्सटीट्यूटिंग यू विल गेट दिस इक्वेशन, ओमेगा जेड इज इक्वल टू वन हाफ डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। बट ऑब्वियस आपको पता है इन रोटेशनल के लिए हमें क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर लाप्लास के फॉर्म में देखोगे तो इसको रखोगे इक्वल्स टू जीरो कर दोगे तो आपको यहाँ पे साई के फंक्शन में लाप्लास इक्वेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।